बहुत टाइम से आप लोग कह रहे थे कि आसिफ के साथ कोई वीडियो शूट करो, सो आज फाइनली मैंने एक वीडियो शूट करी है और हो गई इस वीडियो में। हाँ जी, वो वीडियो जो है आप लोगों ने शूट कर लिया है और इस वीडियो में इतना अच्छा वो है, क्या बोलते हैं, ट्विस्ट कह सकते हैं, मतलब बहुत प्यारा लगा है, आप लोगों को मजा आ जाएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फहीम जोन। तो आज मैं करने वाला हूँ एक प्रैंक वीडियो शूट। बहुत टाइम से आप लोग कह रहे थे कि यार आसिफ के ऊपर कोई प्रैंक या फिर कोई चैलेंज वीडियो शूट करो। अभी थोड़ी देर पहले मेरी आसिफ से बात हुई है, वो आ रहा है घर पे, सो मैंने सोचा यार उसके ऊपर एक प्रैंक क्यों ना शूट किया जाए। तो जो मैं प्रैंक करने वाला हूँ वो है ये जोलो चिप प्रैंक। सो ये कितना ज़्यादा तीखा है और इसे खाने के बाद क्या होता है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस देखी होगी तो पता होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता है मैं आप लोगों को बता दूं, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है वार्निंग। सो ये जो जोलो चिप प्रैंक है, मैं आसिफ को बोलूंगा भाई हम लोग आज एक चैलेंज वीडियो शूट कर रहे हैं जिसमें मैं तेरे को ब्लाइंड फोल्ड करूंगा, और जब उसे मैं ब्लाइंड फोल्ड कर दूंगा उसके उसी बीच में मैं इसको ये जोलो चिप उसे मैं खिला दूंगा, और उसके बाद उसके क्या रिएक्शन आते हैं, क्या होता है, वो आप लोग खुद देख लेना। सो चलिए यार मिलते हैं। ऑलराइट, सो ये रहा आसिफ, और दिखाना था क्या, ठीक है। तो आज इसके साथ मैं करने वाला हूँ, जी मैंने चौथी बार किया है, और आज इसके साथ मैं करने वाला एक चैलेंज वीडियो शूट जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। सो एंड तक जरूर देखना, मजा आएगा आप लोग। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, चैलेंज का नाम है ब्लाइंडफोल्ड चैलेंज। चैलेंज क्या, ब्लाइंडफोल्ड किस चीज से करेंगे हम लोग, अपने आंखों में पट्टी बांध लेंगे। अबे किस चीज से बांधेंगे, मम्मी का दुपट्टा, क्योंकि भाई ये हथकड़ी कहाँ है आपकी, अभी मैंने हमारे हाथ में बांध रखी, लगे हमारे फिर खोल दी। सो चल के फटाफट से सेटअप कर लेते, भाई लाइटिंग इतनी है, हाँ ठीक है, रहने दे, जले रहने जले रहने, बस इतनी जलेगी, इससे ज्यादा लाइट नहीं है। ऑलराइट, सो अब हम लोग अपना चैलेंज जो है स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी मैंने ब्लाइंड फोल्ड के लिए ये ले लिया है और आसिफ भी आ चुका है, तो मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मैं आसिफ को टेस्ट कराऊंगा और उसको बतानी पड़ेगी। और हाँ, एक चीज इसमें ये भी है कि तेरे को उगलना नहीं है, वो चीज जो भी होगी तेरे को खाना है, तेरे को बताना है उसका टेस्ट क्या है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल, उगलनी नहीं है, नहीं उगलना, उगलेगा तो फिर पता क्या चलेगा, क्या लगता है, तो भाई ने बोला कि जो भी चीज है वो हमें खानी है और उसको उगलने नहीं, उसका टेस्ट हमें बताना उसको। तो ये ब्लॉग शूट कर रहा है, साथ ही साथ चीजें भी दिखा रहा है, ठीक है। तो तेरे में अंधेरा हो रहा है, ऐसे कोई स्टार्ट करें, यो ऑलराइट। तो ब्रदर चोर आदमी सिक्के उठा के रख लिया इसने, ठीक है। तो अभी हैटल करने वाले हम लोग, जिसपे अगर हेड आया तो मेरा, टेल आया तो तेरा, ठीक है, ठीक है मैं करूंगा, हेड आया तो मेरा, मैं करूंगा, तू कर ले ये ना, क्या हेड तुम्हारा टेल मेरा, हाँ टेल की तरफ से उठा दूंगा, ठीक है, यहाँ पे साथ हमारी अपॉर्चुनिटी है कि हमारा पहला नंबर आया, कर यार पार दिल मेरे, कुछ दिख तो नहीं रहा, नहीं कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन बहुत तेज बांध रहा है तू, ओके अब लग तो नहीं, सांस ले रही थी, छोड़ रहे, मैं वो सोचा मास्क भी लगाई दूं, लगे हाथ, हाँ ठीक है, ठीक है। So guys, देख तो नहीं रहा कुछ, सो गाइस पहले मैं सबसे पहले खिलाऊंगा भाई को आगरवा मुंह से नहीं निकालना, ठीक है, खाओ ठीक से इसको, ओ भाई तुमने बोला था थूकना नहीं है और तुमने खा लिया, भाई ये क्या बवाल है, बकवास है, तो भाई ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, और ये कैसे कैसे हुआ है आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं, ये भी अनएक्सपेक्टेड था, ये भी अनएक्सपेक्टेड था, मैंने कर
गाइस ये मैंने जोलो चिप मंगा रखा था प्रैंक करने के लिए और उल्टा मेरे और मैंने इसको स्मैश करके रखा हुआ था ताकि इसको ये ना पता चले कि मैंने इसे जोलो चिप खिलाया है। पता है ये बहुत बड़ा टुकड़ा था, मैंने उसमें तो तोड़ के थोड़ा सा खिलाया था। मैं तो पूरा इसको भर के खिलाने वाला था भाई। देख रहे हो सीक्वेंसेस, देखो ये देखो, एक मैं लेकर आया था, एक भाई लेकर आया था। भाई मतलब ये भाई मैंने खुद भी नहीं सोचा था तुमने। गाइस मैंने एक्चुअली दो मंगाए थे जोलो चिप, एक आसिफ पे प्रैंक करने के लिए, सोचा तो दोनों साथ में करेंगे। आसिफ कहेगा मैं जो सबसे पहले पानी पिएगा वो हार जाएगा, तो आज पूरा का पूरा प्लानिंग कर रखी थी और इसमें मेरे एक फ्रेंड का पूरा हाथ था कि आसिफ पे प्रैंक कर, वो वाला मजा आएगा। और ये चीज आसिफ ने मेरे पे कर दी भाई। सो गाइस कैसा रहा यहाँ पे हमारा प्रैंक भाई? देखो भाई देख रहे हो, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा भाई। तुमने सोचा था बिल्कुल भी? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था ये चीज। मैंने भी रत्ती भर नहीं सोचा था कि ये भाई ये पहले से लेके बैठा होगा। हमने हर चीज लिया था, मेरे को पता पहले से ही शक हो रहा था कि ये दो चीजें क्यों लेकर आ रहा है। ये जो चैलेंज था सिर्फ नाम के लिए था कि हाँ हम लोग इसको खिलाएंगे। पहले मैंने सोचा था कि केवड़ा पिला दूंगा ये, उसके बाद फिर इसको मैं जोर चिप नहीं पहला तो मुझे नहीं पता था, ये चीज जरा भी नहीं पता थी। इसने जैसे को तैसा कर दिया बिल्कुल भाई, और ये अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इस चीज का ये करने वाला है। पता है मैं उसमें रख के लेके आया था, उसमें रख के लेके आया जब तुम बाहर गए तो मैंने यहाँ पीछे रख दिया, देन उसको स्मैश करके थोड़ा सा इसके अंदर रख दिया कि बाद में दिक्कत ना हो मेरे को खोलने में। देन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो मैंने इसे स्मैश करा है ये पूरा जोलो चिप है और एक है, इसको मैंने वॉशरूम के अंदर ले जाके स्मैश करता कि आसिफ को बना के ना हो। ये उसके बाद वॉशरूम गया था उसके बाद इसके इसको जलन मच रही है भाई। मैं बोल रहा हूँ जलन मच रही है, ये कह रहा भाई मैं जलन मच रही है, मैं आरो तरह वॉश करके आ रहा हूँ। तो ये था, लेकिन यार ये अनएक्सपेक्टेड था और मेरे को तीखा लग रहा है, इसने मुझे पूरा नहीं खिलाया, नहीं तो मेरा सिर भारी हो गया यार, सिर हल्का भारीपन हो गया इसमें। जो भाई बिल्कुल ही मतलब नहीं होता ना, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं मतलब वो हो गया एकदम सही सेम। नहीं सोचा था वो तो अच्छा इसका मुझे थोड़ा सा खिलाया था, लेकिन इतने में मेरे तोते उड़ गए सच में। भाई मानना पड़ेगा कि मतलब मैंने सोचा करूंगा, तूने कर दिया। पानी दे दे यार, पानी दे दे भाई, पानी दे दे। मैं केवड़ा नहीं पानी चाहिए, मैं लेगा पानी मैं छुपा लेता हूँ, मैं पहले पानी पी लूं भाई। हाँ हाँ भाभी क्या हो गया पता है? रुको लाइट कहाँ जलती है इसकी? भाभी डू यू वांट अ टेस्ट? मतलब आपको अंदाजा नहीं होगा, अरे लाइट कहाँ जलती है भाभी? भाभी यार अंधेरा हो रखा है। भाभी पता चल रहा है ये बच्चों का रूम है, पता चल रहा है कि आपके दो बच्चे हैं, पूरा पड़ा हुआ है, पता नहीं होगा। ये दोनों चीज ठीक है, और आसिफ ने क्या करा मतलब मैं इसके साथ इसके ऊपर प्रैंक करने वाला था, मैंने सोचा दो तीन चीजें चैलेंज ब्लाइंड फोल्ड करके इसको प्रैंक कर दूंगा मैं, लेकिन इसने मेरे ऊपर प्रैंक कर दिया। सेम चीज लेकर आया था बच्चों को मत छूना बिल्कुल भी, बिल्कुल मत छूना बच्चों, हैंड वॉश करो अभी जाके। या मेरे हाथ थोड़ा सा डाल दीजिए, मैं बाहर तक जाऊंगी तो मेरा तवा सिल जाएगा। वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई, लेकिन थोड़ा सा कह रहा हूं हल्का सा। हां हां मैं धो लूंगी, बाहर धो लूंगी। ये लो भाभी इतनी आलसी, यहीं पे बैठ के हैंड वॉश मेरे पैर पे धो दिया यार। सो गाइस ये जो कटोरी है मेरी, ये मैंने इसके अंदर रखा हुआ था नीचे की तरफ, इसके अंदर छुपा के रखा था। अच्छा सच बता, तेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था? 1% भी अंदाजा नहीं था तेरे को? बिल्कुल भी अंदाजा 1% भी नहीं था। मैं तो ब्लॉक कर रहा था सिंपल, तो मैं तुम पे करने के लिए आया। अच्छा अभी क्या है, ये जो मैंने स्मैच करके इसको मैं नहीं चाहता हमारा या फिर बच्चे या किसी के भी हाथ में पड़े, क्योंकि बहुत तीखा है, हालत खराब हो जाएगी, तो इसको मैं जो है ना सबसे पहले डिस्कार्ड करूंगा और ये मैं करूंगा इसके अंदर बाथरूम में डालूंगा। आसिफ फ्लश कर दे। ऑलराइट सो इसको फ्लश कर दिया, बाकी जो वहां पर डब्बे पड़े इसको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा।
सो गाइज ये जो प्रैंक मैं करने वाला था आसिफ के ऊपर उसने मुझ पे ही कर दिया। होप कि आप लोगों को ये हमारा प्रैंक वीडियो पसंद आया होगा। सो जल्दी दोबारा ये जो मतलब एक हुआ है ना, मतलब ये मेरे पे करने वाला था, मैंने इस पे कर दिया लाइक मतलब एक दूसरे ये मैं रिवेंज प्रैंक कर रहा था। तूने गांव में प्रैंक किया था ना मेरे ऊपर, उसका रिवेंज प्रैंक था, लेकिन तूने दोबारा मेरे पर प्रैंक कर दिया। अब एक साथ तेरे पे दो प्रैंक करूंगा मैं। देखियो तू, या एक ही प्रैंक करूंगा ऐसा भाई, मेरे को तो लगा तुम आज ही प्रैंक कर रहे हो। लाइक मैंने भाई को फोन किया, भाई आ रहे हो, बस 2 मिनट मारो, 7 मिनट हो गए भाई, बस 2 मिनट मारो, दोबारा फोन किया भाई 2 मिनट, मेरे को लगा कि बस आ रहा हूँ, ये वाला प्रैंक कर रहे हैं मेरे पे। नाइस, वैसे ये भी अच्छा आइडिया था। एनीवे गाइस, सो होप कि आप लोग को हमारा ये प्रैंक वीडियो जो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, दिस इज फलिफाइंग जोन। बाकी आसिफ ने ब्लॉग बनाया वो भी जाके आप लोग देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिखा था हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ बाय बाय। तीखा लग रहा है हर जगह, तिखाई तिखाई हो रखा है।